सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे 3 तलाक का बिल वापस लिया जाए। हम अपने शरीयत में किसी की भी सरकार का दखल अंदाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी शरीयत में कोई सरकार दखल अंदाज करे। सरकार से हम ये मांग करते हैं इस बिल को वापस लिया जाए। नहीं, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। कोई भी मुस्लिम महिला इसके पक्ष में नहीं है, औरतों के पक्ष की नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस 2005 बनाया गया है। अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, कोई भी घरेलू हिंसा होती है, वो 2005 एक बनाया गया है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। तलाक बिल क्या है? तलाक मैं आज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप ये तलाक बिल ला रहे हैं और कहते हैं कि साहब शोहर नामदार को जेल भेज दिया जाएगा, और उसमें शायद ये भी कहा है कि जब पति जेल चले जाएंगे तो बीवी और बच्चों का खर्चा पति के जिम्मे है। जरा ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर बताने की जहमत करेंगे कि पति जेल जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, भाई कहां जा रहे हैं? आपने क्या जेल में हाई प्रोफाइल 5-स्टार लिविंग स्टैंडर्ड खोल रखा है? एतराज कर रहे हैं लोग। जरूरत पसंद नहीं करती इस चिल्चिलाती और कड़ी दो। देखिए, 3 तलाक तो आसमान बिल्कुल कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए, ये जम्मे गफीर, ये ठाटे मारता हुआ औरतों का समंदर, हाथों में तख्तियां, धूम में चलकर आ रही हैं, परेशान होकर आ रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान औरतें इस बिल को नहीं मंजूर कर रही हैं, मुसलमान औरतें इसको अपोज कर रही हैं। इसलिए हुकूमत की आंखें खुल जानी चाहिए, और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक ये एहतजाज चलता रहेगा।